सबको प्रणाम, सत श्री अकाल। आज हम सब लोग, हमारा चिंतन कैसा है, हम क्या सोचते हैं, फिर हमारे जीवन में उसका क्या इफेक्ट होता है, इसके एक दो बिंदुओं पर चर्चा करें, ज्यादा नहीं। आज जानते हैं कि जो हम सोचते हैं उसका हमारे जीवन पर बहुत व्यापक असर होता है। वेदों में भी कहा गया, श्रद्धामयम पुरुषः संकल्पमयम पुरुषः। जो जैसा संकल्प वाला है, जैसा उसके चिंतन चलते, जैसे उसके विचार चलते हैं, वैसा उसका जीवन होता है। और विचारों का हमारे ऊपर, जो हमारा पिछला जीवन है, जो हम कर्म करते रहे, उसका भी प्रभाव होता है। लेकिन वर्तमान की सोच को अगर हम बदल लें तो आने वाला भविष्य हमारा बदल सकता है। इसके लिए बहुत सारी आपने प्रार्थनाएं सुनी होंगी, बहुत सारे ऐसे विचार सुने होंगे, बहुत सारे ऐसे शब्द सुने होंगे कि उन शब्दों को अगर हम अपने जीवन में प्रयोग करें तो हमारा जीवन बदल सकता है। क्योंकि शब्द ब्रह्म है, भगवान का प्रतीक है, शब्द में बहुत सारी शक्तियां हैं और वह शक्तियां हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देती हैं। आप लोग, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ भगवान का साथ है, मैं महान आत्मा हूं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, भगवान श्री कृष्ण का नाम, राम का नाम, अल्लाह का नाम, गॉड का नाम, बहुत सारे लोग कहते हैं, इसे रिपीट करते हो तो होता क्या है कि जब परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा दिव्य शक्तिमान है। अब उनके कुछ न कुछ गुण, कुछ उनके विचार, कुछ चीजें भगवान का चेहरा याद करने से उनके भी शक्तियां हमारे भीतर आती है। अब परमात्मा को नहीं भी मानते, तभी हम जब कहते हैं कि मैं महान हूं, मैं महान आत्मा हूं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं अपने जीवन को नए ढंग से बदल सकता हूं, तो वास्तव में हमारा जीवन बदलता है। और एक पवित्र जीवन जीने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमारे कर्म भी अच्छे होने चाहिए। कोई नहीं कह सकता हम आज खराब कर्म कर रहे हैं तो निश्चित हमारा भविष्य अच्छा हो नहीं। कोई भी चोर, कोई भी दूसरे को मर्डर करने वाले, कोई भी दूसरों के पीछे अनावश्यक परेशान करने वाले, ये सोचते कि अगर भविष्य जीवन हमारा अच्छा हो, ऐसा नहीं। इसलिए पवित्र जीवन, अच्छा जीवन जीना एक भविष्य की अच्छी गारंटी है। और आप जानते हैं कि भारतवर्ष ने पूरे विश्व में सोल को मान्यता, सोल माने आत्मा को, वो क्रिश्चियनों भी कहते हैं कि हमारे भीतर आत्मा है। और वो आत्मा क्या है? अजर अमर है, वह कब्र में पड़ी रहे कि दिन उठेगी। और वैदिक धर्म के वे मानते हैं हमारी आत्मा अजर अमर तो है ही, साथ ही साथ उसका अगला जन्म भी होता है, और उसको बहुत सारे लोगों ने प्रूव भी किया है। तो अगर हमारा अगला जन्म है तो हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा। इस बात पर दृढ़ विश्वास रख करके पवित्र जीवन जिए, अच्छा कर्म करें और प्रतिदिन संकल्प करें कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं अच्छे कर्म करता हूं, मेरे द्वारा लोगों के जीवन में खुशियां आ रही हैं। जब हम दूसरों की खुशियों का कारक बनेंगे, कैसे भी वो देखना आपका काम है, तो निश्चित ही हमारे जीवन में खुशियां आएंगी। तो जो सोच है ना, यही हमारे जीवन का निर्धारित क्राइटेरिया है और जीवन को आगे ले जाने वाला पथ है, रास्ता है, मार्ग है। इस मार्ग को अपनाएं और प्रतिदिन सुबह उठते ही संकल्प करें कि मैं महान आत्मा हूं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं अच्छे कर्म करता हूं, मेरे द्वारा लोगों के जीवन में खुशियां आ रही हैं, मैं ऐसे कर्म करता हूं जिससे सृष्टि में पेड़ पौधे जीव जंतु भी प्रसन्न होते हैं, तो निश्चित ही यह प्रसन्नता का मार्ग आपको अपार खुशियों को ले जाएगा। एक दिन आपके जीवन में परम प्रसन्नता होगी, और एक ही दिन नहीं, आज से ही जैसे आप संकल्प लेंगे ना, वैसे ही आपका मन भी बदलेगा और आपका जीवन बदलेगा, आपका समय भी बदल जाएगा। आने वाला समय आपका है और इस समय को अच्छे ढंग से सदुपयोग करें, लोगों की खुशियों का कारण बने। सबको प्रणाम, सत श्री अकाल।